तिकडे उत्तर प्रदेशातील कैरान आणि नूरपूरमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला जोरदार झटका बसला. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात उत्तर प्रदेशात पोटनिवडणुकीत हा सलग तिसरा पराभव आहे. याआधी योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या फुलपूरमध्ये पराभव झाला होता. आज कैरानामध्ये राष्ट्रीय लोकदलाचा उमेदवार तबस्सुम हसन यांनी भाजपच्या मृगांका सिंह यांच्यावर 44,000 मतांनी विजय मिळवला. पराभवानंतर भाजपनं आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आल्याचं योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटलंय. चल के बहुत अच्छा है. मैं देख रही हूँ कि सब लोग जो है ना बहुत खुश और बहुत आगे चल के बहुत मजबूत अलायंस बनने जा रहे हैं. बिल्कुल षड्यंत्र था. मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ और हम चाहते हैं कि आगे जो है कोई भी चुनाव इन मशीनों से ना हो, ईवीएम से ना हो. जिन्ना जी बहुत पहले यहाँ थे, चले गए और अब उनकी फोटो है, उन्हीं का मुद्दा बना लिया. तो ये तरक्की का कोई मुद्दा लाओ ना. लाखों मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना निर्णय सुनाया. ये और बात है कि कुछ हजार के अंतर से गठबंधन यहाँ पे सफल हुआ है. मैं जो गठबंधन की उम्मीदवार हैं उन्हें बधाई देती हूँ और मुबारक देती हूँ. यूँ तो बहुत काम हुए हैं केंद्र की सरकार के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा, पर कहीं ना कहीं शायद हम उन बातों को आम लोगों तक समझा नहीं पाए होंगे. निराश अवश्य हूँ पर हताश नहीं हूँ. श्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.